हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के साथ एक ऐसी सेल रिसिप्ट शेयर करने जा रही हूँ जिसका आप सभी को काफ़ी वेट था कि आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी 5 इयर्स बाद कितनी हो जाती है इन केस अगर वो प्रमोशन ना ले या उनका प्रमोशन ना हो पाए, और अगर आपने जेआईबी और सीआईबी दे रखा है तो आपकी 5 इयर्स बाद कितनी सैलरी होती है वो मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ये एक पर्टिकुलर बैंक की सैलरी है। सैलरी सारे बैंक्स में पब्लिक सेक्टर में सेम होती है, अलाउंसेस वेरी कर सकते हैं, तो अलाउंसेस मैं आपको सैलरी के बाद बताऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं बेसिक पे से। इसका जो बेसिक पे है वो है 30,550 रुपीज़। इसमें एचआरए मिला है 3,131.38 रुपीज़। डियरनेस अलाउंस है 10,072.34 रुपीज़। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस 797.82 रुपीज़ और एक स्पेशल अलाउंसेस 6,662.06 रुपीज़। तो इन सभी का टोटल करेंगे तो जो ग्रॉस अर्निंग्स होगी वो होगी 47,909.50 रुपीज़। अब ये तो हो गई ग्रॉस अर्निंग्स की बात, इसके साथ ही कुछ डिडक्शंस भी होते हैं। जैसे प्रोफेशनल टैक्स में 208 रुपीज़ डिडक्ट हुआ है, एक स्टाफ वेलफेयर फंड होता है उसमें 500 रुपीज़, एम्प्लॉयज़ का जो यूनियन होता है उसके लिए भी 150 रुपीज़ का डिडक्शन है, और डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन में 4,062.23 रुपीज़ है। तो ये जो एनपीए से ये एम्प्लॉयर भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो मैं आपको एट दी एंड जब हम एनुअल सीटीसी कैलकुलेट करेंगे तब वहाँ पर बताऊँगी। तो जो ग्रॉस डिडक्शंस हैं वो है 4,920.23 रुपीज़। अब अगर बात करें नेट इनकम की तो नेट इनकम होगी आईबीपीएस क्लर्क आफ्टर 5 इयर्स विथ जेआईबी एंड सीआईबी 42,989.27 रुपीज़। अब हम बात करते हैं अलाउंसेस की। तो मंथली जो क्लर्क होते हैं उनको ज़्यादा अलाउंसेस तो नहीं मिलते, लेकिन कुछ बेसिक अलाउंसेस मिलते हैं। वो है पेट्रोल 10 लीटर्स, तो अगर हम अभी रेट के अकॉर्डिंग देखें तो 1,190 रुपीज़। लंच एक्सपेंसेस 350 रुपीज़ एंड मोबाइल एक्सपेंसेस 100 रुपीज़। तो मंथली टोटल अलाउंस मिलेंगे 1,640 रुपीज़। न्यूज़पेपर अलाउंस भी मिलता है, वो क्वार्टरली मिलता है 900 रुपीज़, और मेडिकल मिलता है ईयरली 2,350 रुपीज़। तो जो टोटल अलाउंसेस है अगर उनको ईयरली कैलकुलेट करें सारे मिला के, मंथली क्वार्टरली एनुअली, तो टोटल अलाउंसेस ईयरली मिलेंगे 25,630 रुपीज़। अब हम एनुअल इनकम कैलकुलेट करेंगे आईबीपीएस क्लर्क की आफ्टर 5 इयर्स। तो जो इसकी ग्रॉस अर्निंग्स थी 47,909.50 × 12 करेंगे योगा 5,74,914 रुपीज़। एम्प्लॉयर भी एनपीएस में कंट्रीब्यूट करेगा तो उसको जब हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 67,970.16 रुपीज़, और एनुअल अलाउंसेस थे 25,630 रुपीज़। तो जो एक एनुअल इनकम बनेगी आईबीपीएस क्लर्क आफ्टर 5 इयर्स होगी 6,68,514 रुपीज़, जो अप्रोक्सीमेट आप 6.7 लाख अज्यूम कर सकते हैं, और ये आफ्टर जेआईबी एंड सीआईबी है। अगर किसी ने ये दोनों एग्जाम्स क्लियर नहीं किए तो सैलरी थोड़ी सी कम हो जाएगी, क्योंकि जो बेसिक है उसमें तीन इंक्रीमेंट, क्योंकि क्लैरिकल में जेआईबी पे एक इंक्रीमेंट मिलता है और सीआईबी पे दो इंक्रीमेंट मिलते हैं। तो ये टोटल 5 इंक्रीमेंट तो आफ्टर 5 इयर्स के हैं और 3 इंक्रीमेंट जेआईबी सीआईबी के हैं, तो 8 इंक्रीमेंट्स के बाद ये जो सैलरी है ये मैंने आपको बताई है। तो ये अगर आप मान लें कि अगर आपने जेआईबी और सीआईबी नहीं दिया है तो आपकी 8 साल बाद इतनी सैलरी होगी जो जेआईबी सीआईबी देने वालों को 5 साल में मिलती है। तो ये आईबीपीएस क्लर्क की सैलरी स्लिप थी। इसके पहले मैं आपको आईबीपीएस क्लर्क की जो जॉइनी की सैलरी स्लिप है, न्यू जॉइनी की, वो भी शेयर कर चुकी हूँ। और आफ्टर 30 इयर्स, मान लीजिए रिटायरमेंट ही मान लीजिए, 30 इयर्स तक किसी का भी रिटायरमेंट हो जाता है, तो आफ्टर 30 इयर्स भी मैं आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। उसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। और इस तरह की अगर आपको और सैलरी स्लिप चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ जितना हो सके सैलरी स्लिप शेयर कर पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।